शक्ति, द सेक्रेट डिवाइन फेमिनिन। शक्ति मतलब ताकत, जो मौजूद है हमारे स्क्रिप्चर्स की गहराइयों में। और इस ताकत की शुरुआत होती है शक्त महाभागवत पुराण में मौजूद शक्ति के रूप, सती की कहानी। सती राजा दक्ष की बेटी और भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन राजा दक्ष ने शिव जी को कभी नहीं अपनाया। एक बार की बात है जब दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सभी देवों को बुलाया, लेकिन अपनी बेटी और भगवान शिव जी को नहीं बुलाया। देवी सती को जब इस बात का पता लगा तब उन्होंने शिव जी से कहा कि वो इस यज्ञ में जाना चाहती हैं। उनका मानना था कि एक बेटी को अपने पिता से बुलावे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शिव जी ने उन्हें जाने से मना कर दिया। भगवान शिव की इस बात पर सती को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा जैसे शिव जी उन्हें सृष्टि की माँ की तरह समझ ही नहीं रहे हैं। क्रोध में और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए सती एक एक कर आदिशक्ति के सभी रूपों का धारण करने लगी। समुद्रों में तूफान आ गया, पहाड़ हिलने लगे, पूरा संसार शक्ति और क्रोध के आगे झुक गया। कहा जाता है शिव जी ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवी शक्ति ने हर बार उन्हें अलग अलग दिशा में जाने से रोक दिया। देवी शक्ति ने 10 अलग अलग महाशक्तिशाली रूपों को धारण कर लिया और 10 दिशाओं से भगवान शिव का रास्ता रोक लिया। इन्हीं 10 रूपों को 10 महाविद्या कहते हैं, और इन 10 रूपों का अपना अलग अलग नाम, गुण, साधना और मंत्र होते हैं। इन 10 रूपों में से देवी के कई ऐसे रूप हैं जिन्हें कई तांत्रिक और अघोरी पूछते हैं। एक तरफ वो इन्हें सफलता की राह में आने वाली रुकावटों को हटाने के लिए, दुश्मनों को हराने के लिए और कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए पूछते हैं, तो दूसरी तरफ तांत्रिक देवी शक्ति की पूजा का गलत इस्तेमाल करके, दूसरों पर जादू करके उन्हें अपने वश में भी कर लेते हैं। देवी का सबसे पहला रूप है काली। काली जिनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं, जिनका शरीर अंधेरे बादल की तरह काला है। काली एक लाश पर खड़ी होती हैं। उन्होंने मरे हुए लोगों की हड्डियों से बने हार और कान में झुमके पहने होते हैं। देवी काली के 4 हाथ होते हैं। उनके एक हाथ में एक खोपड़ी है और दूसरे हाथ में खून से सनी हुई तलवार है। वो दहाड़ती हैं तो 10 दिशाओं में उनकी भयानक आवाज़ गूंज उठती है। 10 महाविद्याओं में देवी काली सबसे पहले आती हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को दर्शाती हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं और उनको अक्सर कई तांत्रिक अपनी साधनाओं में पुकारते हैं। जितना भयानक उनका रूप है उतना ही भयानक उनसे जुड़ी तांत्रिक साधना। वामचार तंत्रा में सबसे भयानक साधना है माँ काली की शव साधना। शव यानी एक लाश। ये साधना एक डेड बॉडी पर माँ काली को पुकारने के लिए प्रैक्टिस करी जाती है। कहते हैं शव साधना तंत्र का एक सबसे मुश्किल, रहस्यमय और खतरनाक अभ्यास है, और बहुत कम लोग इस साधना के गुप्त नियम को असलियत में जानते हैं। इस साधना में तांत्रिक एक लाश को उन्हीं गुप्त नियमों के अनुसार ढूंढते हैं। लाश ताज़ा होनी चाहिए, लाश के सभी अंग ठीक होने चाहिए, और उस लाश का कोई भी हिस्सा गायब या खराब नहीं होना चाहिए। और शव साधना के लिए ज़रूरी है कि वो साधक किसी का खून ना करे, उसे वो लाश कहीं पड़ी हुई मिलनी चाहिए। तांत्रिक साधु फिर उस डेड बॉडी पर बैठकर अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप शुरू करते हैं। इन मंत्रों के जाप के दौरान माँ काली कई बार तांत्रिक की परीक्षा लेती हैं। उसे आकाश से आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे उसे ललचाया जाता है कि वो इस साधना को रोक दे और अपने किसी भी मनचाही इच्छा को पूरा कर ले। लेकिन उसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने मंत्रों का जाप करते रहना होता है। फिर वो शव हिलने लगता है और अचानक जिंदा हो जाता है। शव के जिंदा होने के बाद भी तांत्रिक साधक को जाप जारी रखना होता है बिना अटके और बिना डरे, क्योंकि अगर साधक भयभीत हो जाता है और अपनी साधना को बीच में छोड़ देता है तो कहते हैं कि वो या तो मर जाता है या पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। जो उस पड़ाव को पार कर लेता है काली उस साधक के आगे आ जाती हैं और उन्हें मोक्ष दे देती हैं, उसकी मनचाही इच्छा को पूरा करती हैं। तंत्र में देवी के रूपों की साधनाएं तो भयानक होती ही हैं, पर कुछ ऐसी देवियां भी हैं जिनके रूप और उनसे जुड़ी कहानियां और भी गहरी और डरावनी हैं। देवी का तीसरा रूप है चिन्नमस्ता देवी। चिन्न मतलब धड़ से अलग और मस्त मतलब सर। चिन्नमस्ता यानी देवी जिन्होंने अपना ही सर अपने ही धड़ से अलग कर दिया था।
चिन्नमस्ता देवी की इस प्रतिमा का रूप अक्सर काफ़ी भयानक दिखाया जाता है। उन्होंने अपने बाएं हाथ में अपने कटे हुए सर को और दाएं हाथ में एक तलवार को पकड़ा होता है। कई बार उनके चार हाथ भी दिखाए जाते हैं। चिन्नमस्ता देवी ने कोई वस्त्र नहीं पहने होते हैं, लेकिन उनकी गर्दन में एक खोपड़ियों की माला होती है। ये ही नहीं, बल्कि उनकी गर्दन से तीन खून की धाराएं भी बह रही होती हैं और उनका ये बहता हुआ खून उनके दो साधकों के मुंह के अंदर जा रहा होता है। देवी के सेवक हमेशा उनके पास उनका खून पीते हुए एक हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में थाली लेकर खड़े रहते हैं। ये ही नहीं, बल्कि ये देवी का रूप एक संभोग कर रहे जोड़े के ऊपर खड़ा होता है। उनके पैरों के नीचे हिंदू लॉर्ड ऑफ सेक्स कामदेव और उनकी पत्नी रति संभोग कर रहे होते हैं। चिन्नमस्ता देवी के बारे में कई अलग अलग स्क्रिप्चर्स में कई कहानियां हैं जो हैरान कर देती हैं। प्राणतोषिणी तंत्र के मुताबिक एक दिन देवी पार्वती अपने दो सेवक डाकिनी और वर्णिनी के साथ स्नान के लिए मंदाकिनी नदी में गईं, पर किसी अनजाने कारण से स्नान करते करते वो अराउज हो गईं और उस एक्साइटमेंट से उनका शरीर अचानक से काला हो गया। ये कथा आगे और भी अजीब मोड़ ले लेती है। इस कथा के मुताबिक इसी समय उनकी दोनों अटेंडेंट्स को अचानक भूख लगने लगी और वो उनसे खाना मांगने लगी। अब देवी पार्वती को विश्व की माँ और पालनहारा भी माना जाता है, तो वो अपनी सेवकों की इच्छा को मानने से इनकार कैसे कर सकती थी। तो वो उनकी भूख मिटाने के लिए अपनी तलवार उठाती हैं और अपने सिर को अपने ही धड़ से अलग कर देती हैं, जिसके बाद उनकी गर्दन से तीन खून की धाराएँ बहने लग जाती हैं। एक धारा उनके कटे हुए सर के मुंह में जाती है और बाकी दो उनकी दो अटेंडेंट्स के मुंह में, जिससे वो अपना पेट भर लेती हैं। अपना खून बहाने के बाद वो अपने सर को अपने शरीर से जोड़कर घर लौट जाती हैं। ये कहानी सुनने में थोड़ी अजीब लगती है और इसे सुनकर मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि देवी पार्वती कैसे उत्तेजित हो गई और उनके सेवक भी एक ही साथ कैसे भूखे हो गए। इसका जवाब है प्रतीक शास्त्र यानी सिम्बोलिज्म, जो कि तंत्र और स्क्रिप्चर्स में महत्वपूर्ण है। तांत्रिक ग्रंथों में कई कहानियाँ सिंबॉलिक रूप से होती हैं और देवी चिन्नमस्ता की ये कहानी इसी बात का क्लासिक एग्जाम्पल है। कहते हैं कि ये कहानी असल में कुंडलिनी शक्ति के जागरण को दर्शाती है। कुंडलिनी एक ऐसी ताकतवर शक्ति है जो एक सरपेंट के रूप में हमारे मूलधारा चक्र पर मौजूद होती है और सेक्सुअल एनर्जी पर काबू पाने से जाग सकती है। चिन्नमस्ता देवी का ये रूप भी इसी तरह का एक गहरा मतलब है। देवी की गर्दन पर एक सांप है जो हमारे अंदर की कुंडलिनी एनर्जी को दर्शाता है। कामदेव और रति हमारी इच्छा और सेक्स की भावना को प्रदर्शित करते हैं। देवी का बिना वस्त्रों का शरीर हमें दिखाता है कि हमें सांसारिक चीज़ों को त्याग देना चाहिए। माना जाता है कि इस कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए हमें संभोग की भावना को नियंत्रित करना और अहंकार को हटाना होता है। देवी एक संभोग करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं, इसका मतलब है कि उन्हें पूरी तरह से अपने ऊपर नियंत्रण है। वहीं दूसरी तरफ माना जाता है कि हमारा सर हमारे अहंकार का प्रतीक है, इसीलिए सर काटना दर्शाता है कि उन्होंने अपना अहंकार पूरी तरह हटा दिया है। प्राणतोषिणी तंत्र जैसे कई टेक्स्ट की मदद से तांत्रिक अपने अहंकार को हटाकर और संभोग की भावना पर काबू पाकर अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं, जो कि एक ऐसी ताकतवर शक्ति है जिससे कोई भी अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। और देवी चिन्नमस्ता की पूजा करके तांत्रिक कुंडलिनी शक्ति के साथ साथ अपने सभी कामों को पूरा कर लेते हैं। कहानियाँ, भय, ये सब एक तरफ, लेकिन तंत्र में विनाश का भी एक बहुत बड़ा सच माना जाता है और विनाश की देवी माना जाता है महाविद्याओं की पांचवी देवी, देवी भैरवी को। भैरवी मतलब भयानक, भयंकर या डरावनी। देवी भैरवी एक ऐसी देवी हैं जिनकी उपासना से कहते हैं कि तीनों लोकों में भय फैला हुआ है। भैरवी सृष्टि की रचना और उसके विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। उनके बाल दूसरी देवियों की तरह सज धज कर नहीं रखे होते, बल्कि सर पर इधर उधर फैले होते हैं। वो लाल वस्त्र पहनती हैं और उनकी गर्दन में मरे हुए लोगों का हार होता है, बिल्कुल देवी काली की तरह। उनके हाथों में भी एक तलवार और बिना धड़ का सर होता है। उनका रंग लाल होता है और उनके पूरे शरीर पर खून लगा होता है। देवी भैरवी अक्सर क्रिमेशन ग्राउंड्स पर एक बिना सर के शव के ऊपर बैठकर साधना करती हैं और कहते हैं कि देवी भैरवी क्रिमेशन ग्राउंड में अलग अलग प्रकार की साधनाएं करने के दौरान दिखाई देती हैं।
माना जाता है कि देवी भैरवी का घर स्वर्ग में नहीं बल्कि पाताल लोक में है। वो एक रहस्यमय देवी हैं, जिन्हें देखने के लिए कई साधक भैरवी क्रिया जैसी साधनाएं करते हैं, जिसमें वो आग, जल, वायु और धरती जैसे हर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये साधना किसी गुरु की मौजूदगी में ही होती है। लोगों का मानना है कि भैरवी जन्म और मरण को कंट्रोल करती हैं। इस वजह से कहते हैं कि हर इंसान को उनसे डर कर रहना चाहिए। गुस्से में वो सबसे खौफनाक राक्षसों को भी हरा देती हैं। तो भैरवी की पूजा कर रहे साधकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये एक ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा अगर कोई भी तांत्रिक गलत इरादे से करता है तो उस इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से नष्ट भी हो सकती है। लेकिन अच्छे इरादे से की जाने वाली पूजा से लोगों को खुशियाँ भी मिल जाती हैं। तंत्र विद्या में वो शक्ति का रूप है जो हमें बुरी आदतें हटाकर हमें परफेक्ट इंसान बनाने में मदद करती हैं। भैरवी की मौजूदगी आज की दुनिया में भी प्रतीक है। वो महत्वपूर्ण यूनिवर्सल चेतना की एक रूप है और 10 महाविद्या में सबसे शक्तिशाली तंत्र देवियों में से एक मानी जाती हैं। तंत्र में अनेक चीज़ें जैसे खून, संभोग आदि, जिन्हें अलग रूप से दर्शाया जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को तंत्र के बारे में सुनकर अक्सर काफ़ी डिस्टर्बिंग लगता है। लेकिन तंत्र इन चीज़ों को गलत नहीं मानता, बल्कि इन सबको जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा मानता है और इन कथाओं और साधनाओं से हमारे डर को दूर करता है। क्या आप जानते हैं, वाराणसी में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग स्पेशली मरने के लिए जाते हैं, मुक्ति भवन, जिसे सेल्वेशन होम भी कहा जाता है। उसके हर कमरे में रह रहे लोग सिर्फ मौत का इंतज़ार करते हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इसे लाइक और शेयर करें एंड स्टे ट्यून टू राज फॉर मोर अनकही, अनदेखी और अनसुनी कहानियाँ।